नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं आने वाले CGET एग्जाम 8 दिसंबर 2019 को जो होने वाली है उसके लिए हिंदी भाषा संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक अपने CGET और अन्य टैट एग्जाम के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपका अपना टैट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कई टेट एग्जामों के मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको वहाँ पर प्रैक्टिस क्यूज मिलेंगी, PDF मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा हिंदी भाषा संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन को पहचानना है। फर्स्ट डे सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड डे, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेंगे, बिल्कुल सही है। थर्ड डे, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये भी सही है। और फोर्थ डे, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो देखिए विरोधाभास जो होता है वो भाषा सीखने में सहायक नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन फोर्थ जो है ये कथन यहाँ पर असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न होना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों की योग्यता में भिन्नता होना और विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि कक्षा समावेशी है और समावेशी कक्षा के अंदर सभी प्रकार के बच्चे जो है वो अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का जो है निर्माण करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है गलत वर्तनी लिखना या गलतियां होना, बच्चों के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानना चाहिए उसको, तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने का कौन सा सर्वाधिक सहायक है, शिक्षक डायरी, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, नोटबुक। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, पोर्टफोलियो जो होता है इसमें बच्चे की समस्त गतिविधियाँ का जो होता है रिकॉर्ड रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, जो तुकांत हो, जो कोई सीख देती हो, जिनमें लयात्मकता हो या जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिनमें लयात्मकता होती है, लय होती है, ऐसी कविताएं बच्चे पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं या धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध रूप में पहचानते हैं या व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो वो भाषा अर्जित करते हुए धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर आगम उच्चारण दोष कहलाता है, अमृत को अमृत कहना, क्षत्री को छत्री कहना या ब्रजेंद्र को बढ़ाकर ब्रजेंद्र कहना या स्नान को अस्नान कहना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन फोर्थ जो है इसमें एक अतिरिक्त स्वर आ चुका है आ, और आ का यहाँ पर आना स्वरागम उच्चारण दोष कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण के समय उपागम की दिशा होना चाहिए, किस प्रकार की होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित। तो ये होना चाहिए बाल केंद्रित, ऑप्शन सेकेंड। हिंदी विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि क्या, यहाँ पर मुख्य कारण है छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता या छात्र को प्रश्न कम करने पड़ते हैं या छात्र को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है या छात्रों को नकल करने का अवसर कम मिलता है। तो देखिए निबंधात्मक जो प्रश्न पद्धति होती है उसमें छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त
होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के उत्सर बराबर मिलते रहते हैं, या सेकंड है, मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है, लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण है, थर्ड है, सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने में एवं जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है, या फोर्थ है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बनेगा उत्तर हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का या के लाभ है, इससे पाठ अधिक रोचक, सरल, रोचक और मनोरंजक बन जाता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, और फोर्थ है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी उत्तर हमारा बनेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सहायक शिक्षण सामग्री के ये सभी लाभ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राहकात्मक कौशलों में शामिल है सुनना बोलना, बोलना लिखना, या सुनना पढ़ना, या पढ़ना लिखना। तो यहाँ पर ग्राहकात्मक कौशलों के अंतर्गत सुनना तथा पढ़ना शामिल होता है, ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े, ये राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है, राहुल की यह आदत है, ये राहुल बड़े समूह में अपने राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो यहाँ पर राहुल जो है वो बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि वो थोड़ा सा हिचकने लगता है, उसी कारण से उसमें हकलाहट उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राधिका अक्सर लड़का को लगा कमाई होने लगी, वो कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है, यह इस और संकेत करता है कि, तो ये किस और संकेत करता है कि राधिका ध्यान से नहीं लिखती, उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है, या राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, या राधिका के विचारों की तेज गति उसकी लेखनी के साथ नहीं चल पाती। बिल्कुल सही, राधिका के विचारों की तेज गति उसकी लेखनी के साथ नहीं चल पाती। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? यदि तो वाले प्रश्न, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, क्यों, कैसे वाले प्रश्न, या क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा पढ़े गए पाठ को पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। चलिए अगला है, आगे यहाँ पर एक पैसेज है और इस पर ध्यान से पढ़ करके हमें इस प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए पैसेज है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्म वीरों को ना इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक बढ़ ही चले, और कठिन तर गृहसृंग ऊपर चढ़ गए, कठिन पंथ को देख मुस्काते सदा, संकटों के बीच भी गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा, यह असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन, उत्साह बिन और शक्ति बिन। तो कवि के अनुसार किस विशेषता की कमी होने पर जीवन व्यर्थ है? तो कवि के अनुसार यहाँ पर उत्साह और शक्ति की कमी होने पर जीवन व्यर्थ है, हमारे पैसेज के अनुसार। गिरिश्रृंग का क्या अर्थ होता है? कर्मवीर, मातृभूमि, उच्चतम पर्वत श्रेणी या आपदा। तो गिरि मतलब पहाड़ होता है, श्रृंग मतलब उसकी चोटी होती है, उसका शिखर होता है, तो उच्चतम पर्वत श्रेणी जो होता है होती है उसे हम गिरिश्रृंग कहते हैं। चलिए अगला है, पद्यांश में कौन से रस का प्रयोग हुआ था? यहाँ पर वीरों की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर रस जो रहेगा इसमें वो रहेगा वीर रस, ऑप्शन सेकेंड।
चलिए अगला क्वेश्चन है, इस पद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है, संकट कर्मवीर असंभव या फिर आपदा। तो यहाँ पर कर्मवीर इसका शीर्षक हो सकता है। वीरों की एक विशेषता है, हर कार्य को असंभव समझते हैं, उनमें स्वाभिमान की कमी होती है, वे संकटों से वीरतापूर्वक मुकाबला करते हैं और उनमें उत्साह की कमी होती है। तो वे संकटों से वीरतापूर्वक उसका मुकाबला करते हैं, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगला है, कठिन का विलोम शब्द क्या होगा, सरल दुर्गम पत्थर आसानी। तो कठिन का विलोम हो जाएगा सरल, ऑप्शन फर्स्ट। आगे गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ करके फिर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, भारत में कई धर्म एवं जातियों के लोग रहते हैं जिनके रहन सहन एवं आस्था का में अंतर तो है ही, साथ ही उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं, और इन सब के बावजूद पूरे भारतवर्ष में लोग भारतीयता की जिस भावना से ओतप्रोत रहते हैं उसे राष्ट्रीय एकता का विश्व भर में सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। इसी भावना का परिणाम है, जब कभी भी हमारी एकता को खंडित करने का प्रयास किया जाता है तो भारत का एक एक नागरिक सजग होकर असामाजिक शक्तियों के विरुद्ध खड़ा दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीयता के लिए भौगोलिक सीमाएं, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक एकबद्धता अनिवार्य होती है। यद्यपि प्राचीन काल में हमारी भौगोलिक सीमाएं इतनी व्यापक नहीं थी, यहाँ अनेक राज्य स्थापित थे, तथापि हमारी संस्कृति और धार्मिक चेतना भी एक थी। कन्याकुमारी से हिमालय तक, असम से सिंध तक भारत की संस्कृति और धर्म एक थे, और यही एकात्मकता हमारी राष्ट्रीय एकता की नींव थी। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग अलग परंपरा थी, रीति रिवाज, आस्थाएं थी, किंतु समूचा भारत एक सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध था, और इसी को अनेकता में एकता का विविधता में एकता कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में हमारी अलग पहचान स्थापित करके हमारे गौरव को बढ़ाता है। राष्ट्र की आंतरिक शक्ति, सुव्यवस्था तथा बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। हम भारतवासी किसी कारण वश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए भी राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। प्राचीन काल में समूचा भारत एक ही सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध था, किंतु आंतरिक दुर्बलता और विदेशी शक्तियों ने हम पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, और इन विदेशी शक्तियों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया, जिससे हमारी आस्थाओं एवं धार्मिक मूल्यों का धीरे धीरे हनन होने लगा। लगभग 1000 वर्षों की परतंत्रता के बाद अनेक संघर्षों और बलिदानों के फलस्वरूप हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई, और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारी एकता सुदृढ़ तो हुई, परंतु हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातिता और अज्ञानता और भाषागत अनेकता ने पूरे देश को आक्रांत कर रखा है। राष्ट्रीय एकता का विश्व भर में सर्वोत्तम उदाहरण किसे कहा जा सकता है? भारतीयता की भावना को, भारतीयता को, या सामाजिक एकता को, या क्षेत्रीयता को? तो यहाँ पर हमारे पैसेज के अनुसार भारतीयता की भावना को राष्ट्रीय एकता का एक सर्वोत्तम उदाहरण विश्वभर में कहा जा सकता है। चलिए अगला है, पूरी दुनिया में भारत की अलग पहचान कौन स्थापित करता है? हमारी अलग परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, या हमारी आस्थाएं, या विविधता में एकता? तो विविधता में एकता ही भारत की एक अलग पहचान स्थापित करता है। कौन सी एकात्मकता भारत की राष्ट्रीय एकता की नींव थी? विविधता में एकता, विविधता या संस्कृति और धर्म का एक होना, या भारतीयता की भावना? तो यहाँ पर एकात्मकता भारत की राष्ट्रीय एकता की नींव थी, संस्कृति और धर्म का एक होना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस कारण के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई? राष्ट्र की उन्नति, धार्मिक एकता, स्वतंत्रता की रक्षा, या बाहरी दुश्मनों से रक्षा? तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता की चर्चा किस कारण के लिए, धार्मिक एकता के लिए इसमें राष्ट्रीय एकता की चर्चा नहीं की गई? विदेशी शक्तियों ने किस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, एकता पर, संस्कृति एकता पर, सभ्यता और संस्कृति पर, भारत पर? तो यहाँ पर उत्तर होगा, विदेशी शक्तियों ने भारत पर
आधिपत्य स्थापित कर लिया। चलिए अगला है, अक्रांत का तात्पर्य है। तो अक्रांत का तात्पर्य क्या होता है? आक्रमण करना, अपने अधिकार में लेना या दूसरे के अधिकार में देना या आक्रमण नीति। तो अक्रांत का अर्थ तात्पर्य होता है अपने अधिकार में लेना, ऑप्शन सेकंड। चलिए छद्रिता किस तरह की संज्ञा शब्द के प्रयोग से प्रस्तुत गद्यांश में नहीं हुआ है? छद्रिता की जातिता, राष्ट्रीयता या संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर संस्कृति। चलिए अगला है, दुश्मनों से रक्षा के लिए रिक्त स्थान वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? अपदान, करण कर्ता या संप्रदान। तो यहां पर दुश्मनों से रक्षा के लिए करण कारक है। इन विदेशी शक्तियों ने हमारी सभ्यता, रिक्त स्थान वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इन यहां पर किस प्रकार का शब्द है? संबंध वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर रहेगा ये संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।